नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। डायघर पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसके पास से देसी कट्टा और कारतूस बरामद की है। पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान जानकारी मिली कि सील दीवार रोड स्थित भोईर कंपाउंड के आसपास एक युवक है जिसके पास कट्टा होने का संदेह है, जिसके बाद पुलिस ने भोईर कंपाउंड के आसपास जाल बिछाया। इसी दौरान एक युवक आया और किसी का इंतजार करने लगा। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की और तलाशी के दौरान उसके पास से देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस भी बरामद किया। दिनांक 3/9/2018 को गोकुलाष्टमी के कार्यक्रम के लिए डीबी स्टाफ के एपीएस सरपरे और डीबी स्टाफ पेट्रोलिंग कर रहे थे। उनको इन्फॉर्मेशन मिला कि भोईर कंपाउंड शील दीवार रोड के बाहर एक आदमी खड़ा है और उसके कमर में पैंट के नीचे एक काउटी कट्टा उसने छुपाया हुआ है। उसके बाद डीबी स्टाफ ने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री सावंत साहब को इन्फॉर्मेशन दिया और उनके इंस्ट्रक्शन के अनुसार दो पंचों के साथ मिलके ये आदमी को कस्टडी में ले लिया। उसकी जड़ती में उसके कमर के पैंट के अंदर ये गावटी कट्टा और दो कार्ट्रिज मिले। वो आदमी को कस्टडी में लेके उसके खिलाफ केस रजिस्टर किया है। उसका नाम है सुनील नत्थू कुशवाहा, यहाँ में मापे गांव में रहता है। एक्चुअली उसका गांव मध्य प्रदेश कटनी है और वो ये गावटी कट्टा बेचने के लिए वहाँ पर आया था। उसने कहाँ से लाया, किससे खरीदी किया, उसका मकसद क्या था, इसके पीछे इसका इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर, अभी उसको रिमांड पे कितने दिन के लिए लिया गया? वो 6 तारीख तक, कल तक उसका रिमांड है। आपने और कुछ बताया कि उसके घरों में और कुछ लोग हैं ऐसे जो कट्टा बेचने का काम करते हैं? इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आरोपी का नाम सुनील नत्थू कुशवाहा, जिसकी उम्र 30 साल बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कुशवाहा अपने परिवार के साथ नवी मुंबई के महापे में रहता है, जबकि मूल रूप से कुशवाहा मध्य प्रदेश के कटनी का रहने वाला है। पुलिस निरीक्षक संजय पाटिल ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर 6 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार करने में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सावंत साहब, संजय पाटिल पुलिस निरीक्षक गुणे, सहायक पुलिस निरीक्षक सरफरे, पुलिस निरीक्षक प्रसाद शामिल थे। तो वहीं इस मामले की आगे की छानबीन पुलिस नाइक काटकर कर रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।